असलम स्टूडेंट्स आई एम वसीम इकराम दिस इज़ दी ट्वेंटी सेकेंड लेक्चर इन ए सीरीज ऑफ़ फोर्टी फाइव लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कैसे हैं आप इन चला अच्छे होंगे लास्ट uh, लेक्चर में हम बात कर रहे थे गैल डिवाइस पर एक पर्टिकुलर डिवाइस जो थी गैल सिक्सटीन वी एट उस पर डिस्कस कर रहे थे उसमें आज इनशा उस पर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे इनफैक्ट एक प्रोग्राम करके देखेंगे उसमें इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें आइए लास्ट लेक्चर के जो कॉन्टेंट्स हैं उनको ज़रा रिव्यू कर लेते हैं पिछली दफा हमने डिस्कशन शुरू की थी गैल सिक्सटीन वी एट डिवाइस के साथ गैल सिक्सटीन वी एट डिवाइस जैसे कि हमने स्टडी किया था उसके एट इनपुट्स हैं एट आउटपुट्स हैं दो स्पेशल फंक्शन इनपुट्स हैं जो एट आउटपुट्स हैं उनको आप कन्फिगर कर सकते हैं एज एट इनपुट्स हमने ज़्यादा बात की थी इसका जो ऑलमैक सर्किट है आउटपुट पे जो सर्किट होता है आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल्स जो हैं उनके बारे में तीन इंपॉर्टेंट हिस्से थे उसके जिससे आप आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं फीडबैक जो है इनपुट जा रहा है वापस एंड गेट अरे को उसको कंट्रोल कर सकते हैं उसमें और जो और गेट जो सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स आ रही हैं और गेट के आउटपुट पर उसकी पोलैरिटी को आप प्रोग्राम कर सकते हैं तो ब्रीफली हमने ये कहा था कि जो आउटपुट है ट्राइस्टेड बफर को आप इनेबल कर सकते हैं उसको वी के साथ कनेक्ट कर सक कर दें उसको अगर ग्राउंड कर दें तो आउटपुट जो है डिसेबल हो जाएगा आपके पास एक और ऑप्शन है एक एक एक्सटर्नल पिन जो है गैल की उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं ट्राइस्टेट बफर के कंट्रोल पेन से तो आप एक्सटर्नली सिग्नल अप्लाई करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक जो चौथा ऑप्शन था हमने बताया था कि जो एंड गेट्स आ रहे हैं इनपुट्स जो उनकी आ रही है और गेट से कनेक्ट हो रही है उनमें से एक एंड गेट जो है वो कनेक्ट हो रहा है आपके कंट्रोल पेन के साथ तो आपने कोई एक फंक्शन प्रोग्राम करना है उसका जो आउटपुट आएगा एंड uh, गेट पे उससे आपका स्ट्रेट बफर को कंट्रोल करेंगे तो ये चार ऑप्शंस थी इसी तरह जो हमने फीडबैक का देखा था उसमें हमने बताया था कि या तो जो ऑलमैक का अपना आउटपुट पेन है उधर से ही एक फीडबैक आपको पाथ मिल रहा है इनपुट पेन मिल रही है आप उससे आप सिग्नल वापस भेज सकते हैं एंड गेट अरे के इनपुट पे या एक जो एजेसेंट ऑलमैक है उसकी इनपुट पिन जो है उससे आप सिग्नल भेज सकते हैं और तीसरी ऑप्शन ये थी कि हमने एक फ्लिप फ्लॉप नाम की चीज़ लगाई हुई है जिससे आप वापस इनपुट भेज सकते हैं तो ये तीन ऑप्शंस थे फीडबैक पाथ के लिए जो इनपुट कनेक्ट हो रही है एंड गेट अरे के साथ आखिर में हमने ये देखा था कि जो आपका और गेट है उसकी जो पोलैरिटी है आउटपुट की जो पोलैरिटी है उसको एक्टिव लो कर सकते हैं एक्टिव हाई कर सकते हैं बाय प्रोग्रामिंग एंड एक्सक्लूसिव और गेट उसमें भी हमने ये ऑप्शन देखा था कि जो आउटपुट पे है या तो आप और गेट की आउटपुट आप ले लें आउटपुट पे या दूसरी जो है वो जो फ्लिप फ्लॉप लगा है उसकी आउटपुट आप ले सकते हैं बेसिकली ये सारे मेथड्स हैं आउटपुट को फीडबैक को पोलैरिटी को कंट्रोल करने के लिए इन सारे मैथड्स को यूज़ करके आप जो है ऑलमैक सर्किट को प्रोग्राम कर सकते हैं तो हमने तीन प्रोग्रामिंग मोड्स देखे थे सिंपल मोड था जिसमें कॉम्बिनेशनल आउटपुट थी कॉम्बिनेशनल आउटपुट विद फीडबैक टू एंड गेट और डेडिकेटेड इनपुट तो ये तीन उसके सब मोड थे सिंपल मोड के और इसी तरह हमने कॉम्प्लेक्स मोड देखा था कॉम्प्लेक्स मोड में एक कॉम्बिनेशन आउटपुट थी और कॉम्बिनेशनल आउटपुट विद फीडबैक टू एंड गेट जो पहले तीन मोड से सिंपल मोड में बेसिकली आप जो है ट्राश बफर का कंट्रोल पिन उसको हाई कर दें आपके पास आउटपुट पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी दूसरा जो मोड था उसमें आप बेसिकली वही वाली चीज़ है अगर ऑलमैक के साथ एक इनपुट पाथ अवेलेबल है तो आपके पास जो आउटपुट पे वैल्यू आ रही है वो इनपुट पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं उसमें और जो डेडिकेटेड इनपुट था उसमें हम क्या कर रहे थे जो ट्राई स्टेट बफर की कंट्रोल पेन है उसको ग्राउंड कर रहे थे दैट मीन्स जो आउटपुट है वो डिस्कोनेक्ट uh, हो गया आउटपुट पेन के साथ सो so, अब आउटपुट पेन जो है एज़ इनपुट पेन यूज़ कर रहे हैं इसी तरह अगर कॉम्प्लेक्स मोड में देखें दो हमारे पास ऑप्शंस थी कॉम्प्लेक्स मोड जो है इट्स सिमिलर टू दी सिंपल मोड इसमें जो चेंज ये कर रहे हैं कि जो स्टेट बफर का जो कंट्रोल है कंट्रोल पेन है जिससे हम ट्राई स्टेट बफर को ट्राई uh, स्टेट में कर देते हैं या एज नॉट गेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो कंट्रोल पेन का जो कंट्रोल इनपुट uh, आ रहा है वो आ रहा है एंड गेट के आउटपुट से वो हम ख़ुद से वी या ग्राउंड के साथ नहीं कनेक्ट कर रहे हैं इसके बाद हमने डिस्कस किया था एबल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है जो एडवांस बोली एक्सप्रेशन लैंग्वेज हम ये कह रहे थे कि कोई भी पी डिवाइस अगर प्रोग्राम करनी है तो वो जो फंक्शन जो आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो आपने किसी तरह बताना है उसको स्पेसिफाई करने के लिए ऑफकोर्स आप एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जिस तरह बाकी लैंग्वेज यूज़ करते आ रहे हैं हर लैंग्वेज की अपना एक सिंटस सिंटेक्स होता है तरीका होता है तो आपने इसमें भी जो एबल लैंग्वेज है एक ख़ास सेंटेक्स के तहत आपने प्रोग्राम लिखना है या फंक्शन डिफाइन करना है उसमें तो हमने शुरू में बात की थी कि जो बुलियन ऑपरेटर्स हैं और है प्रोडक्ट है बार जो है जो कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है इसी तरह एक्सक्लूसिव और का साइन है वो एबल में डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो वो हमने देखे थे तो जो भी आप बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे एबल में तो आप वही जो सेंटेक्स है उसका अपना उसके जो अपने ऑपरेटर सिम्बल्स हैं उनको यूज़ करते हुए लिखेंगे हमने ये भी बात की थी कि जो एबल में जब आप लिखते हैं तो एक पहले इनपुट फाइल क्रिएट करेंगे जैसे कि बाकी आप प्रोग्राम्स में करते हैं जिस तरह बाकी प्रोग्राम्स में शुरू में आप क्या करते हैं जो वेरिएबल्स हैं वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं इनिशलाइज कर रहे होते हैं डिक्लेयर कर रहे होते हैं इसी तरह एबल में भी शुरू वाला पोर्शन जो है उसमें यही चीज़ आप करेंगे तीन इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं इसमें एक तो ये है कि आपने डिफ़ाइन करना है कि कौन सी डिवाइस आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं जैसे हमने बताया एबल जो है डिफरेंट डिवाइसेस को प्रोग्राम कर सकता है उसमें तो आपने डिवाइस का नाम बताना है जिसको प्रोग्राम करना है उसके बाद आपने जो है दो और डिकलेशन्स करनी है एक तो है पेंस डिस्क्राइब करनी है अब हर गैल की या पैल डिवाइस की या पीएलए डिवाइस की डिफरेंट पेंस हैं आपने कोई मल्टीप्लेक्सर बनाया इम्प्लीमेंट किया या कोई और सर्किट बनाया उसमें आपने ये बताना होगा कि इनपुट जो वेरिएबल्स हैं वो किन पेन्स पे अप्लाई करेंगे और जो आउटपुट वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं वो किन पेंस पे आएंगे तो ये चीज़ आपने डिस्क्राइब करनी है डिक्लेयर करनी है तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने डिक्लेयर डिफाइन करनी है वो हमने बताया था कि सेट्स आपके पास कोई फंक्शन है जिसके मल्टीपल इनपुट्स हैं मल्टीपल आउटपुट्स हैं तो उनको अगर लिखना जो है ज़रा टी डी एस है मुश्किल काम है तो आप बजाय ये कि सारे वेरिएबल लिखें आप एक सेट बना लें और सेट को यूज़ करें उस बुलीन एक्सप्रेशन को या ट्रूथ टेबल को एक्सप्रेस करने के लिए लिखने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए तो वो जितने भी सेट्स आप डिफ़ाइन कर रहे हैं वो भी डिक्लेयर करना होगा सो तो जो एबल की इनपुट फाइल है उसको कोई नाम देंगे ये डिक्लेरेशन करेंगे उसके बाद आपने जो फंक्शन आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसको डिफ़ाइन करना होगा उसके हमने दो तरीके पढ़े थे एक तो ये कि बोलियन एक्सप्रेशन लिख दें दूसरा तरीका ये था कि टूथ टेबल से आप डिफाइन uh, कर सकते हैं कोई भी फंक्शन इसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट uh, था वो था टेस्ट वेक्टर का आपने कोई भी फंक्शन डिफाइन कर दिया उसके सिंटेक्स एरर्स आपने करेक्ट कर दिए अब आपने ये चेक करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो ठीक तरह काम भी करेगा या नहीं तो उसको चेक करने के लिए आपने एक ट्रूप टेबल के फॉर्म में टेस्ट वेक्टर बना के एबल फाइल में लोड करना है या राइट करना है जिसमें सारे इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कॉम्बिनेशंस होंगी तो बेसिकली जब ये टेस्ट हो जाएगा तो एक कंपाइल्ड फॉर्म आ जाएगी जो एक फाइनल आउटपुट फाइल होगी जिसको फ्यूज़ फाइल कहते हैं और जो आप डाउनलोड कर सकते हैं एक पीएलडी प्रोग्रामर को जो अल्टीमेटली उस पीएलडी डिवाइस को प्रोग्राम कर देगा आज इंशाल्लाह हम देखेंगे एक uh, जो मल्टीप्लेक्सर है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसी गैल डिवाइस पर तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है जो हम फंक्शन uh, इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं वो बेसिकली एक क्वाड फोर टू वन मल्टीप्लेक्सर क्वाड फोर टू वन मल्टीप्लेक्सर क्या है बेसिकली क्वाड मीन्स चार फोर और मल्टीप्लेक्सर जो है फोर टू वन दैट मीन्स हर मल्टीप्लेक्सर के चार इनपुट्स होंगे और एक आउटपुट होगा सो so, चार इस किस्म के मल्टीप्लेक्सर एक ही चिप में होंगे अब चार इनपुट हैं तो उनका कि कोई एक इनपुट सेलेक्ट करने के लिए आपको दो सेलेक्ट लाइंस चाहिए सो so बेसिकली दो सेलेक्ट लाइंस होंगी जो कॉमन होंगी चारों मल्टीप्लेक्सर पे तो जब लेट्स से सेलेक्ट लाइंस दोनों जीरो जीरो पे हैं तो चारों मल्टीप्लेक्सर के पहला जो इनपुट है वो आउटपुट पे आ जाएगा हर मल्टीप्लेक्सर का एक अपना अलहदा से आउटपुट होगा सो चार आउटपुट्स होंगे इसका फंक्शन टेबल पहले देख लेते हैं कि ये सारा जो क्वाड मल्टीप्लेक्सर है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है फंक्शन टेबल से या ट्रुथ टेबल से उसके बाद देखते हैं कि इसकी जो इनपुट फाइल बनेगी एबल में एबल में हम डेकोरेशन से स्टार्ट करेंगे पहले डिवाइस डिक्लेयर करनी होगी उसके बाद हमने पेंस डिफ़ाइन करनी है कि जो मल्टीप्लेक्सर के सारे जो इनपुट्स हैं आउटपुट्स हैं जो सिलेक्ट लाइन्स हैं वो किन किन पेंस पे कनेक्ट होंगी उसके बाद हम जो है जो इक्वेशन है बुलियन एक्सप्रेशन है जो इसका फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिखेंगे उसमें और उसके बाद टेस्ट वेक्टर डिफाइन करेंगे तो आइए ज़रा देखते हैं इसको। आपको डायग्राम में टू तो टेबल नज़र आ रहा है क्वाड वन ऑफ फोर मल्टीप्लेक्सर का इसमें दो इनपुट्स हैं सेलेक्ट वन एंड सेलेक्ट ज़ीरो एस वन एस ज़ीरो से रिप्रेजेंट हुए हैं चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं आउटपुट पे आपको डी आउट नज़र आ रहा है सी आउट बी आउट एंड ए आउट जब एस वन और एस ज़ीरो दोनों जीरोज़ हैं तो पहला वाला इनपुट जो है चारों मल्टीप्लेक्सेस का वो कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट के साथ सो एस ज़ीरो एस वन जब जीरो ज़ीरो हैं तो आपको डी आउट पे डी ज़ीरो नज़र आ रहा है सी आउट पे सी जीरो बी आउट पे बी ज़ीरो और ए आउट पे ए ज़ीरो इसी तरह जब सेलेक्ट इनपुट्स जो हैं एस वन एस ज़ीरो ज़ीरो वन है दैट मीन्स के सेकेंड इनपुट जो है, है, है चारों मल्टीप्लेक्सेस का वो सिलेक्ट हो गया और चारों जो इनपुट्स पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉरस्पॉन्डिंग चारों आउटपुट्स पर मिलेगी सो so, आपको आउटपुट्स पे डी आउट पे D1 नज़र आ रहा है सी आउट पे C1 B बी आउट पे B1 और ए आउट पे A1 इसी तरह अगर वन ज़ीरो हो तो आपको पिन टू जो है या इनपुट टू है D2 C2 B2 A2 वो आउटपुट पे नज़र आ रहा है और इसी तरह सेलेक्ट इनपुट्स जब वन वन हो तो D3 C3 B3 A3 चारों मल्टीप्लेक्सेस का वो आउटपुट पर आपको मिलेगा अब ये तो हो गया ट्रुथ टेबल एक क्वाड वन ऑफ फोर मल्टीप्लेक्सर का अब अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग ए गैल डिवाइस या पैल डिवाइस तो अब आपको प्रोग्राम करना होगा एबल में सो so, एबल में जैसे हमने बताया पहले एक इनपुट फाइल बनानी होगी उसको एक अप्रोप नाम देना है और उसमें फिर डेक्लोरेशन करेंगे सो so, देखते हैं कि ये एबल फाइल का नाम क्या रखे है उसमें डेक्लोरेशन कैसे कर रहे हैं इनपुट फाइल जो है एबल की उसमें शुरू में हमने लिखा हुआ मॉड्यूल कॉड अंडर स्कोर वन ऑफ फोर अंडर स्कोर मल्टीप्लेक्सर मार्क्स क्वाड अंडर स्कोर वन ऑफ़ फोर अंडर स्कोर मक्स ये कोई भी नाम रख सकते हैं ये हमारे लिए है सिंपली बताने के लिए कि ये इनपुट फाइल में क्वाड वन ऑफ फोर मल्टीप्लेक्सर हमें इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इसके बाद टाइटल आ रहा है जो क्वाड वन ऑफ फोर मल्टीप्लेक्सर इन जी एल ट्वेंटी वी एट ये भी कमेंट है ये हमारे अपने समझने के लिए है एक इसके बाद आ रहा है मक्स डिवाइस पी टू ज़ीरो वी एट मक्स जैसे हमने पिछली दफ़ा बात की थी अगेन हमारे अपने कमेंट्स के लिए है, कोई भी नाम रख सकते हैं क्योंकि हम मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं इसलिए हमने मक्स लिखा हुआ डिवाइस जो है रिज़र्व वर्ड है एबल में तो ये बता रहा है कि कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं इस मल्टीप्लेक्सर को इम्प्लीमेंट करने के लिए पी बता रहा है कि ये गैल डिवाइस है जिसके आठ आउटपुट्स हैं और ट्वेंटी इनपुट्स हो सकते हैं इसमें पी की जगह जी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें इसके बाद हमने जो है डेकलरेशन पार्ट में पिन्स डिस्क्राइब करनी है तो इस मल्टीप्लेक्सर के जैसे हमने देखा कि चार ए इनपुट्स हैं चार बी इनपुट्स हैं चार सी इनपुट्स हैं और चार डी इनपुट्स हैं अब इन सारे इनपुट्स के लिए हमने पिनस डिस्क्राइब करनी है कि कौन सी पिनस पे ये चारों जो इनपुट्स हैं अवेलेबल हैं सो ए ज़ीरो ए वन ए टू ए थ्री जो मल्टीप्लेक्सर पहला मल्टीप्लेक्सर है उसके इनपुट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं पिन वन टू थ्री एंड फोर पे इसी तरह जो सेकेंड मल्टीप्लेक्सर है जिसके चार इनपुट्स हैं बी ज़ीरो बी वन बी टू बी थ्री वो अवेलेबल है पिन फाइव सिक्स सेवन एंड एट पे इसी तरह तीसरा मल्टीप्लेक्सर उसके इनपुट्स जो ज़ीरो सी वन सी टू सी थ्री वो अवेलेबल हैं पिन नाइन टेन एलेवन एंड थर्टीन बीच में ट्वेल्व नहीं है और आखिर में जो चौथा मल्टीप्लेक्सर है उसके चार इनपुट्स हैं डी ज़ीरो डी वन डी टू एंड डी थ्री वो अवेलेबल हैं पिन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन जिस तरह हमने बताया कि इन चारों मल्टीप्लेक्स के एक एक आउटपुट होगा सो so, आउटपुट्स जो हैं ए आउट बी आउट सी आउट एंड डी आउट है अब ये किन पेन पे अवेलेबल हैं बेसिकली 21, 20, 19 और 18 पेन पे। इसी तरह हमने ये बताया कि चारों मल्टीप्लेक्सर के दो सिलेक्ट इनपुट्स हैं जो कॉमन हैं चारों को सो so, जो सेलेक्ट इनपुट्स हैं एस जीरो वो कौन से पेन पे अवेलेबल हैं पेन 22 और 23 पे इसके बाद हमने जो है बताना है कि फंक्शन कौन सा इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो दो तरीके हमने पढ़े थे या तो एक बुलियन एक्सप्रेशन लिख दें या ट्रुथ टेबल से इस केस में हमने बुलियन एक्सप्रेशन लिखी हैं चार बुलियन एक्सप्रेशन लिखी हैं चारों मल्टीप्लेक्सेस के लिए सो एक मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है ए आउट है दूसरे का बी आउट है तीसरे का सी आउट और चौथे का डी आउट अब इन एक्वेशन की जगह हम एक ट्रुथ टेबल भी लिख सकते थे बट इस एग्ज़ाम्पल में ऑफकोर्स बुलियन एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं इधर हम सेट्स भी यूज़ कर सकते थे उससे और सिंप्लीफाई हो जाता पर इस केस में सेट्स हमने यूज़ नहीं किए इसीलिए डेक्लोरेशन में कोई सेट की डेक्लोरेशन या डेफिनेशन नहीं है सो so, आइए देखते हैं जो पहली इक्वेशन है ए आउट वो उसमें क्या बोलियन एक्सप्रेशन है बेसिकली एस वन एंड एस ज़ीरो एंड ए ज़ीरो और एस वन और एस जीरो के आगे एक्सक्रोमेशन मार्क्स हैं एक्सक्मेशन मार्क्स हमने पिछली दफा बात की थी कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉट सो एस वन s एस नॉट नॉट और ए नॉट इसके बाद हमने दूसरी टर्म जो है एस वन बार है और उसके बाद एंड एस नॉट है एंड ए वन है ये दूसरी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है इन दोनों को हमने और किया है इसलिए बीच में हैश साइन नजर आ रहा है इसके बाद अगेन एक और हैश साइन है दैट मीन्स एक और प्रोडक्ट टर्म आ रही है जो उसमें सम हो रही है तीसरी प्रोडक्ट टर्म जो है वो है एस वन एंड एस नॉट बार एंड ए टू जो हमने लिखी हुई है आ, एबल नोटेशन में एस एस वन एम परसेंट एक्सप्रोमेशन मार्क एस नॉट एम परसेंट ए टू और इसी तरह जो चौथी टर्म है वो है एस वन एम परसेंट एस नॉट एम परसेंट ए थ्री ये बेसिकली बोलियन में अगर इसको देखा जाए तो ये रिप्रेजेंट कर रही है एस वन एंड एस नॉट एंड ए थ्री चौथी जो टर्म है इसी तरह बी आउट को अगर देखें आ, बिल्कुल सिमिलर सी से एक्सप्रेशन है इसमें ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री की जगह बी नॉट बी वन बी टू और बी थ्री आ रहा है सो पहले अगर प्रोडक्ट को देखें वो रिप्रजेंट कर रही है एस वन बार एस नॉट बार बी नॉट तो इसको हमने वो एबल नोटेशन में लिखा हुआ है एक्सक्रोमेशन मार्क एस वन एम परसेंट मार्क एस नॉट एम परसेंट बी नॉट इसी तरह बाकी टर्म्स हमने लिखी हुई हैं so, सो चार एक्सप्रेशन हमने लिखी हैं चार आउटपुट्स के लिए तो ये तो हो गया सेकेंड पार्ट एबल इनपुट फाइल का इसके बाद हमने क्या डिफ़ाइन करना है हमने डिफाइन करना है एक टेस्ट वेक्टर, जो इस फंक्शन को सिमुलेट करके टेस्ट करेगा कि ये जो फंक्शन है सही काम कर रहा है कि नहीं इस टेस्ट फैक्टर में जैसे हमने पिछली दफ़ा स्टडी किया था जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशन हैं जो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं वो हम बताएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स हैं वो बताएंगे अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इनपुट कॉम्बिनेशन बताएँ आइए देखते हैं कि टेस्ट फैक्टर्स हमने कैसे डिफाइन किए हुए हैं टेस्ट फैक्टर जैसे आपको नज़र आ रहा है वो स्टैंडर्ड जो हमने फॉर्मेट है एबल की वही यूज़ किए हुए तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको बहुत सारे वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं एस वन कामा एस नॉट कॉमा ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री उसके बाद B0, B1, B2, B3, उसके बाद C0, C1, C2, C3 और उसके बाद D0, D1, D2, D3 ये सारे इनपुट्स हैं आ, A0 से लेके D3 तक जो हैं ये तो चारों मल्टीप्लेक्सेस के इनपुट्स हैं और शुरू में जो S1 और S0 वेरिएबल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिलेक्ट इनपुट्स जैसे कि हमने बताया था कि ये सिलेक्ट इनपुट्स में कॉमन है चारों मल्टीप्लेक्सेस के इस इनपुट जो एक्सप्रेशन है इसके बाद एरो आ रहा है और एरो के बाद नीचे जो हमने लिखा हुआ है ए आउट बी आउट सी आउट और डी आउट स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट पेंस सो चार आउटपुट्स हैं चार मल्टीप्लेक्सेस के लिए इसके नीचे एक कमेंट की फॉर्म में अपनी सहूलत के लिए हमने लिखा हुआ है एस जीरो एस वन ए ज़ीरो ए वन ए टू ए थ्री इसी तरह लिखते लिखते हम डी थ्री तक हमने लिखा हुआ उसके बाद आउटपुट्स और नीचे ए बी सी डी लिखा हुआ ये कमेंट्स में है तो अपनी सहूलत के लिए एबल इसको कंपाइल नहीं करेगा इसके नीचे जो अगर आप देखें इसमें बेसिकली हमने इनपुट्स बताए हुए हैं और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स बताए हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारी इनपुट कॉम्बिनेशन हमने नहीं बताई हुई हमने सारी कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बताई हुई क्योंकि अगर आप इनपुट पे देखें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं अगर वो सारी कॉम्बिनेशन बताना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा एक टेबल सा बन जाएगा तो हम कुछ इनपुट्स जो हैं वो अप्लाई करके चेक करेंगे अगर ये इनपुट्स ठीक हैं तो बाकी भी ठीक होंगी उसमें सो so, पहला जो चार कॉम्बिनेशन हैं उसमें हमने बताया है कि एस जो है वो ज़ीरो है एस वन ज़ीरो है बाकी ए नॉट जो है वो वन है बी वन जो है वो वन है सी टू वन है और डी थ्री वन है सो so, इस कॉम्बिनेशन पे जब एस ज़ीरो ज़ीरो हो और एस वन ज़ीरो हो क्या होगा ए नॉट जो है वो आउटपुट पे आ जाएगा बी नॉट जो है वो आउटपुट पे आ जाएगा सी नॉट जो इनपुट है वो आउटपुट पे आ जाएगा और इसी तरह डी ज़ीरो जो है डी नॉट जो इनपुट है वो आउटपुट पर आ जाएगा सो so, जैसा कि हम इधर देख रहे हैं ए नॉट के इनपुट में हमने वन अप्लाई किया हुआ है बी नॉट के इनपुट पे ज़ीरो है सी नॉट के इनपुट पे ज़ीरो है और डी नॉट के इनपुट पे ज़ीरो है सो so, आउटपुट पे क्या आना चाहिए सिर्फ ए आउटपुट पे वन आना चाहिए बाकियों का ज़ीरो आना चाहिए तो आउटपुट पे आपको वही नज़र आ रहा है वन जीरो ज़ीरो ज़ीरो इसी तरह अगर सेकेंड रो को देखें जो सिलेक्ट इनपुट्स हैं एस ज़ीरो एस वन वो हमने ज़ीरो और वन पे सेट कर दिए हुए हैं दैट मीन्स जो सेकेंड इनपुट है चारों मल्टीप्लेक्सेस का वो सिलेक्ट होगा वो आउटपुट पर आएगा इनपुट्स जो हैं ए नॉट का हमने वन रखा हुआ है बी वन का वन रखा हुआ है सी टू का वन रखा हुआ है और डी थ्री का वन रखा हुआ है अब क्योंकि सेकेंड इनपुट सारे मल्टीप्लेक्सेस का सेक्ट हो रहा है इसीलिए आउटपुट पर हमारे पास ज़ीरो आएगा क्योंकि ए वन जो है वो ज़ीरो हमने सेट किया हुआ है बी वन जो है वो हमारे पास वन आ रहा है क्योंकि यही हमने इनपुट पर वन ही बताया हुआ इसी तरह C1 जो है वो सिलेक्ट है वो ज़ीरो हमने बताया आउटपुट पे ज़ीरो आ रहा है इसी तरह D भी ज़ीरो आ रहा है तो बाकी दो रोज़ भी इसी तरह हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं वन जीरो सेलेक्ट इनपुट रखा है तो फिर क्या आएगा और इसी तरह सेलेक्ट इनपुट्स अगर वन वन रखें तो फिर क्या आना चाहिए इसके बाद एस जीरो एस वन जो सेलेक्ट इनपुट्स हैं दोनों को जीरो रखा हुआ है दैट मीन्स पहला जो इनपुट है ए मल्टीप्लेक्सर का बी मल्टीप्लेक्सर का सी मल्टीप्लेक्सर का और डी मल्टीप्लेक्सर का वो आउटपुट पर आ जाना चाहिए इस पर अगर आप पहले रो में देखें ए नॉट को वन रखा हुआ है बी नॉट को वन रखा हुआ है सी नॉट को वन रखा हुआ है और डी नॉट को जीरो रखा हुआ है तो वही हमारे पास आउटपुट पे वन 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 जीरो आ रहा है इसी तरह बाकी तीन रोज में भी हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताई हुई हैं और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स बताए हुए आउट हैं फाइल का जो एंड है वो हमने एक एंड से शो uh, किया हुआ विच इज़ ए रिज़र्व वर्ड बेसिकली सो ये होगी एबल की इनपुट फाइल जिसमें हमने डेक्लोशन बताई फिर हमने फंक्शन डिफाइन किया यूजिंग एन इक्वेशन, और उसके बाद हमने टेस्ट वेक्टर डिफाइन किया ये जब कंपाइल करेंगे तो अगर इसमें कोई गलती नहीं है एक आउटपुट फाइल जनरेट करेगी जिसको हम कहेंगे एक फ्यूज़ uh, फाइल अभी हमने देखी एक इनपुट फाइल जो एबल में हमने लिखी थी फॉर ए क्वाड वन ऑफ फोर मल्टीप्लेक्सर चार मल्टीप्लेक्सेज हैं जिनके चार इनपुट्स हैं उनमें से एक सेलेक्ट करना है अब इसको अब इम्प्लीमेंट करना है हमने कौन सी डिवाइस में इम्प्लीमेंट करना है वो हमने ज़रा सेलेक्ट करनी है हमने पहले दो गैल डिवाइस स्टडी की हैं एक जो पिछली दफ़ा हमने स्टडी की थी सिक्सटीन वी एट जिसके एट आउटपुट थे टोटल सिक्सटीन इनपुट्स हो सकते हैं उसमें क्या हम ये वाली डिवाइस यूज़ कर सकते हैं इस मल्टीप्लेक्सर को इम्प्लीमेंट करने के लिए वेल द आंसर इज नो क्यों देखें इस मल्टीप्लेक्सर के हम अगर टोटल इनपुट्स और आउटपुट्स अगर गिन लें तो वो ट्वेंटी टू बनते हैं कैसे चार मल्टीप्लेक्सेस हैं चारों के चार इनपुट्स हैं तो ये हो गए सोलह इनपुट्स अब चारों मल्टीप्लेक्सेस के चार आउटपुट्स हैं तो ये बेसिकली हो गए बीस चार सोलह इनपुट्स हैं और चार आउटपुट्स हैं ट्वेंटी पिन तो इधर चाहिए इसके बाद हमें दो सेलेक्ट लाइन्स चाहिए जो कि इनपुट सेलेक्ट करेंगी जो आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएंगी तो टोटल जो है हमारे पास 22 टू पेंस होनी चाहिए कोई भी अगर हम कॉम्बिनेशन लॉजिक के साथ भी इम्प्लीमेंट करें तो जो भी सर्किट बनेगा उसकी 22 टू पेंस होंगी अट्ठारह इनपुट हो जाएंगी इंक्लूडिंग वो सिलेक्ट इनपुट्स और चार जो है आउटपुट्स हो जाएंगी अब जैसे गैल 16V8 को अगर इस्तेमाल करें उसमें इतनी पेंज़ ही नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट कर पाएँ उसमें तो हम इसके लिए एक और गैल यूज़ कर रहे हैं विच इज़ 20V8 ट्वेंटी वी एट के जो हैं जैसे आपको बता रहे हैं एट आउटपुट्स हैं और टोटल जो इनपुट्स हैं ट्वेंटी हो जाते हैं इसमें दो स्पेशल इनपुट्स हैं स्पेशल फंक्शन इनपुट्स हैं तो टोटल जो है ट्वेंटी टू हो जाता है उसमें इस इसको ज़रा देखते हैं कि कैसे इस डिवाइस को हमने यूज़ किया है इस पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर को एम्प्लीमेंट करने के लिए इसका पूरा सर्किट जो डायग्राम है वो मैं इधर नहीं शो करूँगा वो आपके बुक में है तो उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं इधर मैं सिंपली जो पहला वाला मल्टीप्लेक्सर है जिसके इनपुट्स हैं ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसका एक आउटपुट आ रहा है ए आउट तो उसको हम जरा देखते हैं कि इस पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर को कैसे इंप्लीमेंट की बाकी मल्टीप्लेक्सर जो हैं वो भी इसी तरह इम्प्लीमेंट होंगे यूजिंग अदर सर्किट्स या जो बाकी जो ऑल मैक्स हैं बाकी जो एंड गेट रेज़ हैं उनको यूज़ कर रहे हैं उसमें तो आइए ज़रा देखते हैं जो डायग्राम में आपको सर्किट नज़र आ रहा है ये एक ऑलमैक का सर्किट डायग्राम है इसी तरह के बाकी आठ ऑलमैक्स होंगे इस ऑलमैक में हमने जो सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म इम्प्लीमेंट की है वो है मल्टीप्लेक्सर वन की जिसके इनपुट्स चार हैं ए ज़ीरो ए वन ए टू और ए थ्री और उसका एक ही आउटपुट है ए आउट सो लेफ्ट साइड पर आपको ए नॉट ए वन ए टू एंड ए थ्री नजर आ रहे हैं इनपुट पेन जो हैं और आउटपुट पर ए आउट पेन नज़र आ रही है अब इस सर्किट डायग्राम में देखें बहुत सारी आपको वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं आठ एंड गेट्स हैं सो आठ प्रोडक्ट टर्म्स आपको मिल सकती हैं इसमें हर एंड गेट का जो इनपुट है वो थर्टी टू है सो थर्टी टू इनपुट एंड गेट्स यूज़ कर रहे हैं जो आठ आउटपुट हैं आठ एंड गेट्स की वो कनेक्ट हो रही हैं ऑलमैक में ऑलमैक में एक और गेट है जिसके आठ इनपुट्स होंगे तो ये सारी प्रोडक्ट टर्म्स जो हैं सम टर्म्स बनेंगी आफ्टर और गेट ट्राई स्टेट बफर भी आपको ऑलमैक के आउटपुट पे नज़र आ रहा है इस पर्टिकुलर केस में इसकी कोई फीडबैक इनपुट पाथ नहीं है जो फीडबैक इनपुट पाथ नज़र आ रहा है जिसमें एस ज़ीरो सेलेक्ट इनपुट कनेक्ट किया हुआ है वो एक और एजिसेंट ऑलमैक से आ रहा है अब अगर वर्टिकल लाइंस पे देखें ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि कौन से वेरिएबल्स अवेलेबल हैं सो so, पहली दो लाइंस में वेरिएबल ए वन और ए वन बार नज़र आ मिलेगा दूसरी दो लाइंस जो हैं उनमें ए नॉट और ए नॉट बार होगा इसी तरह जो सेकंड ग्रुप ऑफ फोर लाइंस हैं उसमें ए टू ए टू बार है फिर एस वन एस वन बार है और इसी तरह बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं अब जरा देखते हैं कि ये मल्टीप्लेक्सर इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है अगर आप बोलियन एक्सप्रेशन देखें अगर एस नॉट ज़ीरो है और एस वन ज़ीरो है तो फिर क्या होगा ए नॉट टर्म जो है वो आउटपुट में आनी चाहिए इसी तरह अगर ए ज़ीरो वन है और ए वन वन है तो फिर क्या आना चाहिए ए थ्री आउटपुट पे आना चाहिए सो बुलियन एक्सप्रेशन अगर देखें उसमें चार प्रोडक्ट टर्म्स हैं तो पहली जो हॉरिजेंटल लाइन है जो सबसे पहले एंड गेट पे कनेक्ट हुई है वो पहली प्रोडक्ट टर्म को इंडिकेट कर रही है दूसरी जो हरिजेंटल लाइन है उसमें जो तीन फ्यूजेस नज़र आ रहे हैं या बेसिकली गैल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो तीन सेल्स ऑन जो हुए हुए हैं बेसिकली ये दूसरी प्रोडक्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है इसी तरह तीसरी लाइन तीसरी प्रोडक्ट टर्म और जो चौथी लाइन है वो चौथी प्रोडक्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है इसमें चार गेट्स जो हैं वो यूज़ नहीं हो रहे सो so, पहली तरह प्रोडक्ट टर्म को देखते हैं इसमें जो हमने कनेक्शन बनाया हुआ है या जो सेल ऑन किया हुआ है उसमें आपको ए नॉट टर्म मिल रही है इसको हमने एंड किया हुआ है एस वन बार के साथ और एंड किया हुआ है एस नॉट बार के साथ तो ये होगी पहली टर्म दूसरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें अगर देखें आपको जो वेरिएबल्स मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट बन रहा है ए वन एंड एस वन बार एंड एस नॉट इसी तरह तीसरी प्रोडक्ट टर्म जो है उसको अगर आप देखें तो वो प्रोडक्ट बन रहा है ए टू एंड एस वन एंड एस नॉट बार और चौथी जो टर्म है प्रोडक्ट टर्म जो है वो आपके पास बन रही है एस वन एंड ए थ्री एंड एस नॉट अब ये जो पहले चार एंड गेट्स हैं उनकी आउटपुट्स जो हैं वो कोर्स और गेट के साथ कनेक्ट हुई हैं और गेट पे ये पूरी बुलियन एक्सप्रेशन जो बनेगी ए आउट की मिलेगी वो आपको ए आउट पेन पे अवेलेबल है जब आप ऑल मैक को प्रॉपरली कन्फिगर करेंगे प्रॉपर मोड यूज़ आप करेंगे आइए अब एक नए टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करते हैं बेसिकली सिक्वेंशल सर्किट्स अभी तक जितनी डिस्कशन होती रही है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पे होती रही है इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हमने सिंपल लॉजिक गेट्स बना सकते हैं हमने फंक्शनल डिवाइसेस पढ़ी थी उनसे बना सकते हैं और आखिर में जो हमने पी एल डीज पड़े उनसे बना सकते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में बेसिकली आपके पास कुछ इनपुट्स होंगे कुछ आउटपुट्स होंगे जो ही कोई भी वैल्यू आप इनपुट पे अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट एक आपको आउटपुट दे देगा इसमें कोई आप स्टोर वैल्यू नहीं कर सकते उसको आप सेव नहीं कर सकते उसमें बहुत सारे सर्किट्स ऐसे हैं जिसमें आपको वैल्यू सेव करनी पड़ती है इनपुट पे भी कोई वैल्यू सेव होगी या स्टोर होगी उस पे कॉम्बिनेशन सर्किट काम करेगा और आउटपुट पे एक वैल्यू दे देगा जो आपको स्टोर करनी पड़े एप्लीकेशन वाइज अगर देखें बहुत सारे सर्किट्स ऐसे हैं जिसमें ये स्टोरेज जो एलिमेंट है इसका होना ज़रूरी है हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स कॉम्बिनेशन सर्किट्स में पढ़ी हैं हमने एल यू के बारे में बात की थी एर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अब जैसे कि आपने पढ़ा था ए एल यू के दो इनपुट्स होते हैं एक आउटपुट होता है तो एल यू के इनपुट पर आप दो ही वैल्यू अप्लाई करेंगे उन पर एर्थमेटिक ऑपरेशन होगा या लॉजिकल ऑपरेशन होगा और एक आउटपुट पर वैल्यू आ जाएगी अब लेट अस सपोज के हमने चार नंबर्स ऐड करने हैं टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव अब चारों नंबर्स एक साथ में तो अप्लाई हम कर नहीं सकते उसमें तो दो दो करके नंबर्स ऐड करेंगे उनका जो पार्शियल रिजल्ट आएगा वो तीसरे नंबर के साथ ऐड करेंगे इसी तरह जो फिर पार्शियल रिज़ल्ट आएगा वो चौथे नंबर में ऐड करेंगे अब ये जो चार नंबर्स हैं ये हमने कहीं स्टोर करने हैं उसमें सो टू को एक रजिस्टर में या एक मेमोरी एलिमेंट में स्टोर कर देंगे जो तीन है सेकेंड नंबर जो है थ्री और इसी तरह फोर एंड फाइव जो हैं वो चार मेमोरी एलिमेंट्स में स्टोर करेंगे तो ए एल यू कैसे ऐड करेगा बेसिकली पहले मेमोरी एलिमेंट में से और दूसरे मेमोरी एलिमेंट्स में से टू एंड थ्री रीड करेगा उनको ऐड करेगा आउटपुट पे आपका एक पार्सल सम रिज़ल्ट फाइव आ जाएगा अब फाइव जो है इसको आपने बाकी दो नंबर्स के साथ भी ऐड करना है तो ऐड करने से पहले इस रिज़ल्ट को अगेन आप टेम्प्रोरीली स्टोर करेंगे कहीं अब कहाँ स्टोर करेंगे जिसमें पहले टू पड़ा हुआ था या थ्री पड़ा हुआ था उसको अब आपकी ज़रूरत नहीं है तो उसी में आप स्टोर कर सकते हैं इसी तरह जो नेक्स्ट एडिशन होगी वो फ़ाइव को पकड़ेगा उस रजिस्टर में या मेमोरी एलिमेंट में जो स्टोर किया हुआ है और अगले नंबर को जो फोर है उसको लेगा उन दोनों को ऐड करेगा रिज़ल्ट नाइन आ जाएगा उसको अगेन टेम्परेली स्टोर करेगा और उसको फिर जो आखिरी जो एडिशन होगी वो चौथा नंबर है पाँच और जो पार्सल रिज़ल्ट है नाइन उन दोनों को ऐड करके आपके पास आउटपुट आ जाएगा सो एल यू इट सेल्फ जो है एक कॉम्बीशनल सर्किट है पर इसको ऑपरेट करने के लिए इसको यूज़ करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए मेमोरी एलिमेंट्स की इसी तरह हमने एक और एग्जांपल पढ़ी थी मल्टीप्लेक्सेस हमने यूज़ किए थे कि पैरल डाटा को सीरियल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं और इसी तरह दूसरे एंड पे जहाँ सीरील डाटा आ रहा है उसको वापस हमने पैरल डाटा में कन्वर्ट करना है अब बेसिकली कैसे सीरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं या वापस पैरल में कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सर्स एंड डी मल्टीप्लेक्सेज चूज़ कर रहे थे अब मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर दोनों कॉम्बिनशियल सर्किट्स हैं पर तो इनको सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ मेमोरी एलिमेंट्स चाहिए सो जो पैरल डाटा है वो कहीं हम स्टोर करके रखेंगे और जो मेमरी एलिमेंट है जिसमें स्टोर हुआ उसका आउटपुट जो है हम मल्टीप्लेक्सर के इनपुट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं इसी तरह डी मल्टीप्लेक्सर के जो आउटपुट पे इंफॉर्मेशन आ रही है वो पैरल इंफॉर्मेशन आ रही है सीरियल को पैरल में आ, कन्वर्ट कर रहा है अब वो इंफॉर्मेशन हमने कहीं स्टोर करनी है उसमें तो वो कहाँ स्टोर होगी एक मेमोरी एलिमेंट कनेक्ट करना पड़ेगा डी मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट के साथ सो बेसिकली कॉम्बिनेशन सर्किट है उसके साथ हमने मेमरी एलिमेंट्स कोनेक्ट किए हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स में काउंटर्स यूज़ किए काउंटर बेसिकली क्या करता है काउंट कर रहा है सो so, कोई वैल्यू उसमें लद से तीन है वो काउंट आप करेगा चार हो जाएगी चार के बाद पाँच हो जाएगी अब चार से पाँच कैसे काउंट करता है वो आठ क्यों नहीं काउंट कर लेता बेसिकली जो पिछली वैल्यू है वो उसने याद रखी हुई है एक मेमोरी एलिमेंट है जिसमें उसने स्टोर किया हुआ है so, तो जब भी उसको क्लॉक पल्स मिलती है वो पिछली वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है सो तीन एग्जांपल्स हैं पहली तो एल की वो इट सेल्फ कॉम्बिनेशन सर्किट है पर उसको चलाने के लिए ऑपरेट करने के लिए उसको एक मेमोरी एलिमेंट्स की ज़रूरत है दूसरी एग्जांपल जो है मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर दोनों कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं पर जो एप्लीकेशन हम जिसमें इस्तेमाल कर रहे हैं सीरियल टू पैरल पैरल टू सीरियल जो है उसमें आपको मेमरी एलिमेंट्स की ज़रूरत है इसी तरह जो काउंटर है वो बाज़ार एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है सिक्वेंशल सर्किट बेसिकली है क्या बेसिकली कोई भी सर्किट जिसमें कॉम्बिनेशनल पार्ट हो और उसके साथ कुछ मेमोरी एलिमेंट्स हों उसको हम सीक्वेंशियल सर्किट कहेंगे तो आइंदा जो हम पढ़ेंगे वो सीक्वेंशियल सर्किट्स पे डिस्कशन होगी सीक्वेंशियल सर्किट का जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है मेमोरी एलिमेंट बेसिकली मेमोरी एलिमेंट जो है एक इन्फॉर्मेशन को बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है उसमें अब ये मेमोरी एलिमेंट काम कैसे करता है इम्प्लीमेंट कैसे होता है उसको हम देखते हैं मेमोरी एलिमेंट जो है बेसिक जो मेमोरी एलिमेंट है उसको हम कहते हैं लैच और लैच का एक फर्दर मॉडिफिकेशन है जिसको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं सो so, आइए पहले बात करते हैं लैच पे कि लैच काम कैसे करता है और कैसे एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है लैच को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग नाइन गेट्स या गेट्स अगर आप दो नाइन गेट्स लें उनको आपस में कनेक्ट कर दें दैट मीन्स एक जो पहला वाला नैन गेट है उसका आउटपुट जो है दूसरे वाले नैन गेट के इनपुट के साथ कनेक्ट कर दें इसी तरह जो दूसरा वाला नैन गेट है उसका आउटपुट जो है पहले वाले के पहले वाले नाइन गेट के इनपुट के साथ कनेक्ट कर दें पहले वाले एक नैन गेट का जो एक इनपुट जो बच जाता है उसको आप कह दें कि सेट इनपुट है और दूसरे वाला जो नैन गेट है उसका जो दूसरा इनपुट है जो किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया उसको आप कह दें कि रीसेट इनपुट है इसी तरह पहला वाला जो नैन गेट है उसका आउटपुट जो है उसको आप कह दें कि Q आउटपुट है और दूसरा वाला जो नैन गेट है उसका आउटपुट जो है उसको आप कह दें कि Q बार आउटपुट है सो so बेसिकली जो Q आउटपुट और Q बार आउटपुट है उस पर आपको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलेगी Q पे अगर वन है Q बार पे जीरो होगा और क्यू पे अगर जीरो है क्यू बार पे वन होगा दोनों वंस नहीं हो सकते दोनों जीरोज़ नहीं हो सकते अगर दोनों वन हों दोनों जीरो ज़ीरोज़ हों तो दिस इज़ कंसिडर्ड एज एन इनवैलिड स्टेट और इस इनवैलिड स्टेट में हम कभी भी लैच uh, को नहीं जाने देंगे लैच के जो इनपुट्स हैं एस और आर सेट एंड री सेट उन पे हम बाइनरी वैल्यूज अप्लाई करेंगे उसके थ्रू हम एक वैल्यू जो है इसमें स्टोर कर, कर सकते हैं या वन स्टोर कर सकते हैं या जीरो स्टोर कर सकते हैं लैच को हम बाइस एलिमेंट भी कहते हैं या मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं बाइस स्टेबल इसलिए कहते हैं कि दो स्टेट्स इसमें आसानी से स्टोर कर सकते हैं या वन स्टेट स्टोर कर सकते हैं या जीरो स्टेट uh, जो है उसको स्टोर कर सकते हैं इसमें आइए देखते हैं ये जो नैंड गेट लैच है ये काम कैसे करती है नैंड गेट जो लैच हमने अभी डिस्क्राइब की उसके हमने दो इनपुट्स बताए एस इनपुट और आर इनपुट सो so बेसिकली कितनी हम इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं चार इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं ज़ीरो ज़ीरो हो सकता है ज़ीरो वन हो सकता है वन ज़ीरो हो सकता है और वन वन हो सकता है इसमें हम पहली कॉम्बिनेशन से शुरू करते हैं एस ज़ीरो है और आर ज़ीरो है ठीक है आउटपुट पे हम एज्यूम करते हैं कि क्यू जो आउटपुट है वो वन पे सेट हुआ हुआ है और क्यू बार जो है वो जीरो पे सेट हुआ हुआ है अब NAND गेट के अगर आप जो बोलियन रूल्स हैं वो आपको याद हैं उसमें NAND गेट के इनपुट पे जब भी किसी इनपुट पे अगर जीरो अप्लाई करें तो आउटपुट पे क्या हो जाएगा वन हो जाएगा सो so, पहले केस में जब एस पे ज़ीरो आप अप्लाई कर रहे हैं और आर पे ज़ीरो अप्लाई कर रहे हैं उसमें आउटपुट पे क्यू आउटपुट पे क्या आ जाएगा बेसिकली वन आ जाएगा और क्यू बार आउटपुट पे क्या आ जाएगा वो भी वन आ जाएगा जैसे अभी हमने बताया कि Q पे और Q बार पे दोनों कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए Q पे वन है तो Q बार पे जीरो होना चाहिए या वाइस वर्सा होना चाहिए अगर दोनों वन आ गए दैट मीन्स दिस इज़ एन इन वैलिड स्टेट सो ज़ीरो जीरो जो है इनपुट जो है उसको हम एज इन वैलिड इनपुट कंसिडर करेंगे ये हम कोशिश करेंगे कि अप्लाई ना करें इसी तरह अगर आउटपुट पे Q पे ज़ीरो है और Q बार पे वन है और इनपुट पे एस ज़ीरो हम अप्लाई कर रहे हैं और R एस जीरो अप्लाई कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट वही आएगा दोनों आउटपुट जो हैं वन पे चले जाएंगे सो जीरो एस इक्वल्स टू ज़ीरो आर इक्वल्स टू जीरो हम कहते हैं कि ये इनवैलिड स्टेट है वट एवर दी आउटपुट्स आइए नेक्स्ट जो इनपुट है उसको देखते हैं एस अगर ज़ीरो है आर वन है क्यू को हम इज्यूम कर लेते हैं कि वन है और क्यू बार को हम एज्यूम कर लेते हैं ज़ीरो है अगर एस ज़ीरो है तो पहला वाला जो नाइन गेट है नाइन गेट वन जो है उसके आउटपुट पे क्या आएगा बेसिकली वन आ जाएगा क्योंकि नाइन गेट का कोई भी इनपुट अगर ज़ीरो हो आउटपुट पे वन आएगा अब दूसरे अगर गे नाइन गेट को देखें जिसका एक इनपुट जो है वो क्यू से कनेक्टेड है और दूसरा इनपुट जो है वो आर से कनेक्टेड है ठीक है ना तो अब आउटपुट पर क्या आएगा बेसिकली दोनों इनपुट्स जो हैं वो वन हो गए क्योंकि आर हमने वन रखा है क्यू जो है वो वन हो गया सो नैन गेट जो दूसरा वाला नैन गेट है उसका आउटपुट क्या आएगा बेसिकली जीरो हो जाएगा सो so, अगर हम एस को ज़ीरो रखें आर को वन रखें और इनिशियली क्यू इज़ वन क्यू बार इज़ ज़ीरो तो ये स्टेट चेंज नहीं होगी क्यू वन ही रहेगा और क्यू बार जो है ज़ीरो हो जाएगा दूसरा हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं एस इज़ ज़ीरो आर इज़ वन क्यू जो है वो ज़ीरो है और क्यू बार जो है वो वन है एस क्योंकि ज़ीरो है तो दैट मीन्स जो पहला वाला नैन गेट है उसका आउटपुट क्या हो जाएगा वो वन हो जाएगा अच्छा अब दूसरा अगर नैन गेट देखें आर इनपुट हमने वन अप्लाई की हुई है क्यू क्योंकि इस सेकेंड गेट के इनपुट पे कनेक्ट है तो दोनों इनपुट्स जो हैं सेकेंड नैन गेट की वो वन होगी तो क्यू बार ज़ीरो हो जाएगा सो अगेन आउटपुट क्यू ज़ीरो है क्यू बार वन है एस ज़ीरो अप्लाई किया आर वन अप्लाई किया तो स्टेट जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगी क्यू वन हो जाएगा और क्यू बार ज़ीरो हो जाएगा सो so, इसको हम समराइज़ कर सकते हैं कि वट एवर दी आउटपुट अगर एस जीरो है आर वन है क्यू वन पर चला जाएगा और क्यू बार ज़ीरो पर चला जाएगा आइए अब तीसरी स्टेट देखते हैं उसमें तीसरी स्टेट ये है कि एस वन है और आर ज़ीरो है क्यू उसी तरह हम एज्यूम करते हैं कि वन पे सेट हुआ हुआ है और क्यू बार जो है वो ज़ीरो पे सेट हुआ हुआ, हुआ। अब S1 है अब एस वन है और R ज़ीरो है तो में जो सेकेंड नैंड गेट है उसका आउटपुट जो है वो वन हो जाएगा क्योंकि इनपुट उसका ज़ीरो है अब जो पहला वाला नैंड गेट है उसका S इनपुट तो वन है और Q बार भी उसके साथ कनेक्ट हुआ है तो दोनों इनपुट वन हो गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा Q का वो बेसिकली ज़ीरो हो जाएगा सो so, अगर S वन है R ज़ीरो है तो Q ज़ीरो पे चला गया और Q बार वन हो गया अब हम दूसरा केस टेस्ट कर लेते हैं S अगेन वन है और R ज़ीरो है Q जो है वो ज़ीरो है और Q बार वन है इसका जो आउटपुट क्या होगा क्योंकि R ज़ीरो है तो Q बार वन हो जाएगा इसी तरह जो पहला वाला नाइन गेट है उसमें S वन है और R जो Q बार है वो भी वन है तो वो हो जाएगा Q बार जो है सॉरी uh, Q जो है वो ज़ीरो हो जाएगा सो so बेसिकली इसको हम समराइज़ कर सकते हैं कि वट एवर दी आउटपुट इफ़ एस इज़ वन एंड आर इज़ ज़ीरो तो आउटपुट क्या हो जाएगा Q ज़ीरो हो जाएगा और Q बार वन हो जाएगा सो बेसिकली रीसेट हो रहा है लास्ट केस जो है लास्ट केस में हम कह रहे हैं कि एस बी वन है और आर बी वन है हम इज्यूम करते हैं कि Q जो आउटपुट है वो वन है और Q बार जो आउटपुट है वो ज़ीरो है अब Q जो आउटपुट है वो सेकेंड गेट के इनपुट पे कनेक्ट हुआ है R क्यों के वन है सो so दोनों इनपुट्स जो है सेकेंड नैंड गेट के वो वन है तो Q बार क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा अब ये क्यू बार जो है वो कनेक्ट है पहले वाले नैन गेट के इनपुट के साथ एस वन है दूसरा इनपुट जीरो है तो आउटपुट क्या हो जाएगा वन हो जाएगा सो क्यू आउटपुट वन हो गया क्यू बार जो है वो जीरो हो गया इनिशियल स्टेट हमने क्या एज्यूम की थी क्यू को वन एज्यूम किया था क्यू बार को जीरो इज्यूम किया था बाई अप्लाइंग एस इक्स टू वन एंड आर इक्स टू वन आउटपुट वही रहती है दूसरा केस टेस्ट कर लेते हैं लेट्स से क्यू ज़ीरो है और क्यू बार वन है एस वन है और आर वन है अब क्योंकि क्यू बार वन है तो पहला वाला जो नैन गेट है उसके दोनों इनपुट्स वन हो गए रिजल्टेंट आउटपुट पे क्यू आउटपुट पे क्या आएगा जीरो आएगा इसी तरह सेकेंड नाइन गेट है उसका जो आर इनपुट है वो वन है क्यू जो आउटपुट है वो ज़ीरो है सो so, सेकेंड जो नैन गेट है उसका आउटपुट जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा सो so, बेसिकली क्या हमने ऑब्जर्व किया कि जो आउटपुट था वो वही उसी तरह रहता है तो इसको अगर समराइज़ करें हम ये कह सकते हैं कि जब भी एस वन हो और आर वन हो जो भी प्रीवियस आउटपुट था वो वही रहेगा आइए देखते हैं कि ये जो लैच हमने बताया नाइन गेट ये इसका सर्किट कैसा है और इसका फंक्शन टेबल देखते हैं कि ये जो हमने सारे एस इनपुट्स जो डिफरेंट सेलेक्ट किए आर इनपुट्स डिफरेंट सेलेक्ट किए उनसे डिफरेंट आउटपुट्स आ रहे थे तो ये हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन टेबल तो देखते हैं सर्किट और फंक्शन टेबल आइए देखते हैं नैन बेस्ड जो लैच है वो कैसे बनी हुई है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया हुआ है नैन बेस्ड लैच में दो नैन गेट्स नज़र आ रहे हैं एक को वन किया हुआ बताया हुआ है दूसरे को टू से डिनोट किया हुआ है नैन गेट का आउटपुट जो है वो कनेक्ट किया हुआ है दूसरे नैन गेट के इनपुट के साथ इसी तरह जो सेकेंड नैन गेट है उसका आउटपुट जो है पहले वाले नैन गेट के इनपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ दोनों है दोनों इनपुट्स जो हैं उनको एस बार और आर बार से डिनोट किया हुआ है आइए अब देखते हैं टूप तो टेबल स्नैन गेट लैच का इसमें दो इनपुट्स हैं एस इनपुट और आर इनपुट चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जीरो ज़ीरो जीरो वन वन ज़ीरो और वन वन आउटपुट जो है वो एक ही है आउटपुट में हमने क्यू टी प्लस वन से डिनोट किया हुआ है क्यू टी प्लस वन बता रहा है कि नेक्स्ट टाइम इंटरवल सो अगर एस जीरो हो आर जीरो हो तो ये हमने जैसे देखा था एक इन वैलिड स्टेट आ जाती है दोनों आउटपुट्स वन हो जाते हैं तो इस पर्टिकुलर इनपुट स्टेट को हम कभी अप्लाई नहीं करेंगे अगर एस ज़ीरो हो आर वन हो तो नेक्स्ट क्यू आउटपुट जो है क्यू टी प्लस वन वो वन होगा पिछला जो है वो जो मर्जी हो अगला जो आउटपुट है क्यू टी प्लस वन पे वन ही होगा इसी तरह अगर एस वन है आर ज़ीरो है तो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट जो है क्यू टी प्लस वन वो ज़ीरो होगा पहले जो क्यू टी आउटपुट है वो वन हो या ज़ीरो हो इट डजेंट मैटर इसी तरह अगर एस वन हो आर वन हो जो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट है क्यू टी प्लस वन वो वही होगा जो पिछला आउटपुट था दैट इज़ क्यू टी अब अगर आप इस फंक्शन टेबल को देखें अगर एस इनपुट ज़ीरो है और आर इनपुट वन है तो आउटपुट जो है वो सेट हो जाता है वन पे इसी तरह अगर एस इनपुट वन है और आर इनपुट ज़ीरो है तो जो लैच है उसका क्यू आउटपुट जो है वो रीसेट हो जाता है ज़ीरो पे और इसी तरह अगर एस वन है और आर वन है तो जो आउटपुट है वो मेंटेन रखता है इसलिए हम जो है इस आ, NAND बेस्ड लैच को एस आर लैच कहेंगे और इसके जो इनपुट्स हैं वो एक्टिव लो हैं क्योंकि एस अगर ज़ीरो होगा तब सेट होगा इसी तरह आर जब ज़ीरो होगा तब वो रीसेट होगा अभी हमने नैन गेट लैच को देखा अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं एक वन को या जीरो को स्टोर करने के लिए अब वन कैसे स्टोर करना है अगर एस इनपुट को ज़ीरो कर दें आर को वन कर दें तो क्यू आउटपुट जो है वो वन पे हो जाएगा अब इसको स्टोर रखने के लिए दोनों इनपुट्स जो हैं वो वन वन पे हो जाएं। जब तक इनपुट्स वन वन पे रहेंगे आउटपुट पे वन रहेगा स्टोर हो जाएगा इसी तरह अगर आपने ज़ीरो स्टोर करना है बेसिकली अब क्या करेंगे एस को वन कर देंगे एस इनपुट को वन करेंगे और आर इनपुट को ज़ीरो कर देंगे इससे आउटपुट पे क्या आ जाएगा बेसिकली रीसेट हो जाएगी ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी क्यू आउटपुट पे। इसके फ़ौर बाद अगर आप एस इनपुट को और आर इनपुट को दोनों को वन कर दें तो वो ज़ीरो जो वैल्यू वो रिटेन रहेगी सो so, आप जो हैं वन और ज़ीरो बड़ी आसानी से स्टोर कर सकते हैं उसमें एक और लैच हमारे पास है बेसिकली तो हम नॉर गेट्स को यूज़ करते हुए इसी किस्म की लैच बना सकते हैं सर्किट डायग्राम बिल्कुल मिलता जुलता है पहले केस में हमने दो नैन गेट्स यूज़ किए थे इस केस में हम दो नॉर नॉर्गेट्स यूज़ करेंगे इसी तरह जो पहले नॉर गेट का आउटपुट है वो कनेक्ट हो जाएगा दूसरे नॉर गेट के इनपुट के साथ इसी तरह जो सेकंड गेट जो है नॉर गेट उसका आउटपुट जो है पहले वाले नॉर गेट के इनपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगा पहले वाला जो नॉर गेट है उसके आउटपुट को क्यू कहेंगे दूसरा वाला जो नॉर गेट है उसके आउटपुट को क्यू बार कहेंगे जो सेट और रीसेट इनपुट्स हैं वो हमने उल्टे कर दिए हैं सो so, पहले वाला जो नॉर गेट है उसके इनपुट को हम आर कह रहे हैं और जो दूसरा वाला नॉर गेट है उसके इनपुट को हम एस कह रहे हैं अब ये कैसे बिहेव करेगा ऑपरेट कैसे करेगा ये एग्जैक्टली उसी तरह ऑपरेट करेगा जिस तरह नैन गेट बेस्ड लैच कर रहा था उसमें सो लेट्स से कि हम जो एस इनपुट है और ज़ीरो जो इनपुट है वो दोनों ज़ीरो कर देते हैं उसमें तो उसका बिहेवियर क्या होगा आउटपुट पे? हम आउटपुट को एज्यूम करते हैं वन और ज़ीरो है क्यू इज़ वन एंड क्यू बार इज़ ज़ीरो तो अगर दोनों इनपुट्स जो हैं एस और आर जीरो अप्लाई करें तो आउटपुट पे क्या होगा बेसिकली अगर आपको नॉर गेट का फंक्शन याद हो अगर कोई भी इनमें से आउटपुट कोई भी इनमें से इनपुट वन हो तो आउटपुट जो है वो ज़ीरो होता है अब आर भी ज़ीरो है एस भी ज़ीरो है क्यू जो है वो वन है सो so, अगर सेकंड गेट का जो इनपुट पे देखें उस पर एक जो इनपुट है वन आ रहा है और एक इनपुट जो एस इनपुट है वो जीरो है तो आउटपुट पे क्या हो जाएगा क्यूब बार जो है वो ज़ीरो हो जाएगा इसी तरह अगर पहला वाला नॉर्ड गेट देखें उसके इनपुट पे आर इनपुट पे ज़ीरो है दूसरा इनपुट जो है वो भी ज़ीरो आ रहा है तो आउटपुट पर क्यूब पर क्या आ जाएगा वन आ जाएगा इनिशियल कंडीशन क्या था वन ज़ीरो था सो so, अब क्या है अब भी वन ज़ीरो है इसी तरह अगर आप दूसरे केस को टेस्ट करें अगर क्यू जीरो हो और Q बार वन हो R भी ज़ीरो हो एस बी ज़ीरो हो तो अगेन आउटपुट वही रहेगा क्यू ज़ीरो रहेगा और क्यू वन जो है वो वन रहेगा सो so हम समराइज़ कर सकते हैं कि नॉर गेट के केस में अगर S ज़ीरो है R जीरो है जो आउटपुट स्टेट है वो रिटेन रहती हैं वो चेंज नहीं होंगी उसमें ये ऑपोजिट है नैन गेट में दूसरा जो केस है हम कहते हैं कि जी एस ज़ीरो हो जाता है और आर जो है वो वन हो जाता है इसमें क्यू को हम हिज्यूम करते हैं वन है और क्यू बार को हम इज्यूम करते हैं जीरो है, है, है अब आर क्योंकि वन है तो पहला वाला जो नॉर गेट है उसका आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब दूसरा वाला जो नॉर गेट है उसके दोनों इनपुट जीरो हैं उसका आउटपुट क्यू बार जो है वो वन हो जाएगा अब क्या हुआ अगर R को वन रखा है अपने S को जीरो रखा है तो Q जो है वो ज़ीरो हो गया Q बार वन हो गया इसी तरह अगर Q जो है वो जीरो हो और Q बार वन हो तो उस केस में अगर आर आपने वन रखा है एस को ज़ीरो रखा है फिर भी क्यू ज़ीरो रहेगा और क्यू बार वन हो जाएगा इसको आप समराइज यूँ कर सकते हैं कि अगर एस ज़ीरो है आर वन है तो जो आउट आउटपुट है वो रीसेट हो जाता है क्यू ज़ीरो हो जाएगा हर केस में पहला आउटपुट कुछ भी हो जब ये इनपुट सप्लाई करेंगे क्यू ज़ीरो हो जाएगा और क्यू बार वन हो जाएगा तीसरा केस डिस्कस करते हैं एस अगर वन है और आर ज़ीरो है उससे क्या इफेक्ट होगा आउटपुट पे Q जो है वो वन हो जाएगा Q बार ज़ीरो हो जाएगा अगर इनिशियली Q जो है ज़ीरो है और Q बार वन है और S इनपुट वन है R ज़ीरो है फिर भी Q जो है वो वन सेट हो जाएगा और Q बार जो है ज़ीरो हो जाएगा इसको आप यूँ समराइज़ कर सकते हैं कि अगर S वन है R ज़ीरो है वट एवर प्रीवियस इनपुट्स आउटपुट जो है वो सेट हो जाएगा दैट इज़ क्यू वन हो जाएगा और क्यू बार ज़ीरो हो जाएगा चौथा और आखिरी केस जो है एस बी वन है और आर बी वन है इसके इसमें क्यू अगर वन हो क्यू बार ज़ीरो हो अगर आप इसको अप्लाई करके देखें इसमें दोनों क्योंकि नॉर्थ गेट्स हैं दोनों के इनपुट्स वन हैं तो फिर आउटपुट पे क्या होगा दोनों आउटपुट जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे दोनों आउटपुट जो जीरो हैं ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है इनवैलिड स्टेट हमने ये बताया था शुरू में कि क्यू और क्यू बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए सो वन वन जो है दिस इज़ कंसिडर्ड एज एन इन वैलिड स्टेट और ये कोशिश हम करते हैं कि कभी भी अप्लाई ना करें उसमें सो अगेन नॉर्थ गेट को अगर देखा जाए जीरो ज़ीरो जीरो वन वन जीरो वन वन इसमें वन वन वाली जो स्टेट है वो इन वैलिड स्टेट है आइए देखते हैं कि ये जो नैन गेट का सर्किट है लैच का सर्किट ये किस तरह से बना हुआ है उसमें और इसका जो फंक्शन डाइग्राम है ये कैसे है उसमें सो लेटस हैव ए लुक लेटस हैव ए लुक एट दी नॉर्थ पेस्ट लैच इट यूज टू नॉर्थ गेट्स नॉर्गेट वन एंड नॉर्गेट टू Uh, of course, it has two outputs. The output of NOR gate 1 is Q, the output of NOR gate 2 is Q bar. The output of the first NOR gate is connected to the input of the second NOR gate, and the output of the second NOR gate is connected to the input of the first NOR gate. The two inputs are R and S. R input is connected to the first NOR gate, and S input is connected to the second uh, NOR gate let us have a look at the truth table of the nor based latch it has two inputs s and r there are four possible input combinations 0 0, zero 1 1 0 and 1 1 uh, the nor gate uh, truth table has a single output q t plus 1 the next output state so when s is 0 r is 0 the next output state is the same as the previous output state so q t plus 1 is the same as q t Similarly, for inputs s equals to 0 and r equals to 1, the new output state is set to 0. Whatever the previous input, the new output is going to be is 0. The third case, uh, the s is 1, r is 0, the output is set to 1. And the last case, when s is 1, r is 1, the output is considered to be invalid because both the q and q bar output is set to 0. नॉर्थ गेट लैच को आप इस तरह बता सकते हैं कि जब S 1 है तो Q B 1 होगा आउटपुट जो है वो सेट हो जाता है 1 पे अगर R 1 है जो आउटपुट है वो जीरो पे सेट हो जाता है दैट मीन्स रीसेट हो रहा है तो इसको आप ये कहेंगे कि नॉर गेट के जो इनपुट्स हैं वो एक्टिव हाई हैं अभी हमने नॉर गेट बेस्ड लैच को देखा इसमें भी हम वन और ज़ीरो स्टोर कर सकते हैं अगर आपने वन स्टोर करना है तो एस इनपुट को वन पे आप एनर्शलाइज़ करें और आर इनपुट को ज़ीरो पे रखें वन आउटपुट पे आ जाएगा अब इसको रिटेन रखने के लिए आप क्या करेंगे बेसिकली दोनों इनपुट्स को ज़ीरो ज़ीरो पे ले जाएं। इसी तरह अगर आपने ज़ीरो स्टोर करना है उसमें रीसेट इनपुट को ज़ीरो पे रख दें और एस इनपुट को वन पे रख दें आउटपुट पे ज़ीरो आ जाएगा अब इसको रिटेन रखने के लिए जो दोनों इनपुट्स हैं उनको आप ज़ीरो ज़ीरो पे कर दें सो बेस लैच जो है और नॉर्थ गेट बेस्ड लैच जो है दोनों वन uh, और ज़ीरो को स्टोर कर सकते हैं एक जो है एक्टिव लो इनपुट्स हैं दूसरे के नॉर्थ गेट बेस्ड लैच के जो हैं हाई इनपुट्स हैं इन दोनों लैचेस को एस आर लैच कहा जाता है एस फॉर सेट आर फॉर री आइए देखते हैं इन दोनों के लॉजिक सिंबल्स के सर्किट डायग्राम में इन दोनों लैचेस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सिंपल है सिंबल uh, है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसके बाद हम देखते हैं दोनों के टाइमिंग डायग्राम्स टाइमिंग डायग्राम जैसे हमने पहले शुरू में भी बात की थी किसी भी आ, जो डिजिटल सर्किट है उसको ऑपरेशन इंडिकेट करता है कि डिफरेंट टाइम्स में अगर इनपुट्स आप चेंज कर सकते हैं उसका इफेक्ट आउटपुट पर क्या होगा सो लेट अस हैव हैवे लुक एट द लॉजिक सिंबल ऑफ द टू लैचेस एंड द टाइमिंग डायग्राम्स नॉर्थ बेस्ट एक्टिव हाई इनपुट लैच और नैंड बेस्ड एक्टिव लो इनपुट एस आर लैच दोनों के सिम्बल्स दिखाए गए हैं उसमें जो नॉर्थ बेस्ड लैच है इनपुट पर एस और आर है उधर कोई बबल्स नज़र नहीं आ रहे ये इंडिकेट कर है। रहे हैं एक्टिव हाई है क्यू आउटपुट पर एक बबल नज़र आ रहा है विच मीन्स कि आउटपुट जो है ये एक्टिव लो है इसी तरह जो नैंड बेस्ड लैच है दोनों एस और आर इनपुट्स पर दो बबल नज़र आ रहे हैं बबल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्टिव लो इनपुट है इसी तरह क्यू आउटपुट पर भी एक बबल नज़र आ रहा है आइए देखते हैं टाइमिंग डायग्राम नैन बेस्ड एक्टिव लो इनपुट एस आर लैच का पहले जो दो लाइंस हैं टाइमिंग डायग्राम्स हैं वो एस इनपुट और आर इनपुट का शो कर रहे हैं और नीचे जो है क्यू आउटपुट नज़र आ रहा है सो टी वन इंटरवल पे क्योंकि एस जो है वो भी हाई है और आर भी जो हाई है इस केस में आ, जो पहले स्टेट थी वही रिटेन रहेगी T2 टू इंटरवल पर अगर आप देखें S बार जो है वो हाई हो गया R जो है वो ज़ीरो हो गया सो दैट मीन्स इसको रीसेट होना है तो Q आउटपुट पे आपको जो सिग्नल है वो लॉजिक लो नज़र आ रहा है इसी तरह T3 थ्री पर अगर आप देखें S इनपुट जो है वो ज़ीरो है और R इनपुट हाई हो गया सो दैट मीन्स जो आउटपुट है वो सेट हो जानी चाहिए सो so T3 के बाद आपको Q पे आउटपुट हाई नज़र आ रहा है इसी तरह T4 पे पर अगर आप देखें जो सेट इनपुट है वो हाई है और R जो इनपुट है वो भी हाई है सो so, इसका मतलब है जो प्रीवियस स्टेट है वो वही रहेगी अनचेंज T5 इंटरवल पर अगर आप देखें S इनपुट जो हाई है और R इनपुट जो है वो लो है तो इस केस में Q आउटपुट को रीसेट हो जाना चाहिए तो T5 के बाद आपको Q आउटपुट पर ज़ीरो नज़र आ रहा है T6 सिक्स इंटरवल को अगर आप देखें S इज़ जीरो R इज़ वन इधर Q आउटपुट को लैच को सेट हो जाना चाहिए सो so क्यू जो है आउटपुट वो वन हो गया लॉजिक हाई हो गया टी सेवन पे एस हाई है आर लो है सो so क्यू को रीसेट हो जाना चाहिए सो टी सेवन के बाद क्यू आउटपुट जो है लॉजिक लो नज़र आ रहा है इसी तरह टी एट पर एस क्योंकि ज़ीरो है तो और आर वन है तो इसको सेट हो जाना चाहिए क्यू आउटपुट चेंज हो गया लॉजिक हाई पे टी नाइन पे दोनों एस और आर हाई हैं तो जो क्यू आउटपुट की स्टेट है वो वही रहनी चाहिए तो वो कंटिन्यू रहती है लॉजिक हाई पे T10 टेन पर एस इज़ वन आर इज़ ज़ीरो तो इसको रीसेट हो जाना चाहिए जो कि हो रहा है T11 पे दोनों एस और आर जो हैं वो हाई हैं तो जो प्रीवियस आउटपुट है वो वही रहेगा तो इसीलिए T11 के बाद आ, Q आउटपुट जो है वो जीरो ही है फाइनली T12 ट्वेल्व पर अगर आप देखें S ज़ीरो है और R वन है सो दैट मीन्स आउटपुट जो है वो सेट हो जाना चाहिए Q आउटपुट जो है T12 के बाद आपको हाई नज़र आ रहा है अभी हमने लॉजिक सिंबल्स देखे नाइन गेट बेस्ड लैच की और नॉर्थ बे, गेट बेस्ड लैच की एस आर लैचेस हैं आ, टाइमिंग डायग्राम भी हमने देखा नाइन गेट बेस्ड लैच का अगर नॉर्थगेट बेस बेस लैच का टाइमिंग डायग्राम देखें वो सिमिलर है बेसिकली आपने बस शुरू ये देखना है कि जो एस इनपुट है आर इनपुट है वो एक्टिव हाई हैं उसमें और उस केस में दो, दोनों हाई स्टेट्स हैं वो हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है इट लीड्स टू एन इनवैलिड स्टेट आइंदा लेक्चर में हम डिस्कशन जो है इधर से जारी रखेंगे मज़ीद जो लैचेज हैं उन पे डिस्कस करेंगे उसमें फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में बात करेंगे अपना ख्याल रखिएगा इन अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम असल